चुनाव आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने, निष्पक्ष व निर्भीक होकर आवश्यक रूप से मतदान करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपखंड प्रशासन के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार सिंगल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जालुकी रोड पर स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में आयोजित हुए कार्यक्रम में कस्बे में संचालित निजी व राजकीय विद्यालयों के लगभग 5000 छात्र छात्राओं ने भारत के नक्शे व मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान SDM अनिल कुमार ने छात्र छात्राओं, आमजन, जनप्रतिनिधियों व अधिकारी व कर्मचारियों को निष्पक्ष निर्भीक होकर आवश्यक रूप से मतदान करने व अन्य मतदाताओं को जागरूक करने की शपथ ली। इस दौरान युवाओं ने पैरामिड बनाकर तिरंगा लहराया। बाद में 5000 स्कूल छात्र छात्राओं ने कस्बे के खेल मैदान से जागरूक रैली निकाली, जो कस्बे के जालुकी रोड बस स्टैंड, पुरानी सब्जी मंडी व भगत सिंह सर्किल होते हुए पंचायत समिति परिसर में जाकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में कॉलेज की छात्राओं के द्वारा रंगोली बनाकर मतदान करने के प्रति जागरूक किया। राजस्थान में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2018 होने वाले हैं, तो इसके मद्देनज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज उपखंड लक्ष्मणगढ़ में एक मानव श्रृंखला और विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार के बारे में जानकारी देना और जन जागरूकता का मैसेज समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना था। इस रैली में इस उपखंड के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने, समस्त छात्र छात्राओं ने और विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, STC, BEd, ITI आदि सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली काफ़ी सफल रही। ड्रोन कैमरे द्वारा मानव श्रृंखला की वीडियोग्राफी कराई गई और इस कार्यक्रम में SDO राजगढ़ भी उपस्थित हुए। मेरी पूरी टीम इस कार्यक्रम में थी और हमने जनता को मैसेज देने की कोशिश की कि वोट जो हमारा एक अधिकार है, उसे हमें आगामी विधानसभा चुनाव में काम में लेना है। और ये मैसेज पूरे लक्ष्मणगढ़ उपखंड में ही नहीं बल्कि पूरे अलवर में और पूरे राजस्थान में जाए, इसके लिए इस रैली का आयोजन किया।